नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे और आवारा पशु को पकड़वाने की मांग को लेकर एक शिकायती पत्र एसडीएम जानसठ को दिया। शनिवार को क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीण आवारा पशु के द्वारा फसल बर्बाद करने और उन्हें पकड़े जाने की मांग को लेकर एसडीएम जानसठ कार्यालय पहुंचे और एसडीएम अभिषेक कुमार को एक शिकायती पत्र देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि भलेड़ी के जंगल आवारा पशु द्वारा किसान की फसल लगातार बर्बाद की जा रही है, जिसके कारण किसानों के खेतों में खड़ी पकी फसल नष्ट हो रही है। कई किसानों ने तो अपनी नष्ट होती फसलें देकर आत्महत्या का प्रयास भी किया। वहीं संबंध में पशु विभाग अधिकारी जानसठ को सूचित किया गया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसानों ने अपने प्रयास से लगभग 30 पशुओं को गांव में ही एक जगह एकत्रित किया। ग्रामीणों ने एसडीएम जानसठ को शिकायती पत्र देकर पशुओं को पकड़वाने और समस्या का समाधान किए जाने की मांग की। सर, क्या नाम है आपका? भलेड़ी। मेरा नाम अजीत राठी है, मैं संगठन महासचिव उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल। आज क्या मामला है? मामला ये है कि देखो, किसान तो वैसे ही परेशान है। अब यहाँ भलेड़ी गांव में ये पशु फसल में इतना नुकसान करे, आवारा चुट्टा पशु। अब गांव वालों ने यहाँ इसमें स्कूल में बंद कर रखे, ये लगभग जो है 45-50 के लगभग होंगे ये पशु। तो बिल्कुल किसान की फसल बर्बाद कर दी। अब सरकार एक तरफ तो कह रही कि कहने लगे कि आवारा चुट्टा पशु बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। अब दिखाई कहाँ नहीं देंगे, तो किसान की फसल को बर्बाद कर दिया इन्होंने। सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही, अपने कहे पर ध्यान नहीं दे रही। तो इसके किसी से शिकायत करी है? अभी जो है उसमें थाना दिवस में आज प्रार्थना पत्र गांव वालों ने दिया है और हम लोग भी साथ थे, और हम कह कि अगर आज ये पशु नहीं हटे यहाँ से, नहीं प्रशासन ने यहाँ से भेजा, तो कल को ये पशु थाना और तहसील में जाएंगे। जो तो प्रशासन ने कुछ आश्वासन दिया, कहा कि हम शाम तक इन्हें जो है यहाँ से भिजवा देंगे। अगर शाम तक ये नहीं जाते तो ये थाना और तहसील में बंधेंगे कल को, और इनके साथ साथ और गांवों के भी बंधेंगे। ये कब से है यहाँ पर पशु? कब से? 3-4 दिन से है। गांव वाले इनको जो चारा वारा गांव वाले ही सब कर रहे हैं, इन्हें पानी पत्ते कर गांव वाले का। अब सरकार की भी तो जिम्मेदारी है, सरकार की भी तो जिम्मेदारी है। यहाँ ये पशु कब तक रहेंगे इस स्कूल में? तब तक ये किसान तो अपने पशुओं के चारा बोए जो। अब यहाँ किसान जो है इनको जो खुवारे, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है इन्हें यहाँ से आज शाम तक भिजवावे, नहीं तो ये प्रशासन के इनमें जो कोठड़ी है एसडीएम के लिए इनके थानों की, इनमें बदल। बिल्कुल करेंगे जी। मुजफ्फरनगर के जानसठ में थाना संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता नगर तहसीलदार और थाना प्रभारी ने की। इस दौरान फरियादियों से 2 शिकायतें थाना दिवस में प्राप्त हुई, जिसमें से दोनों ही शिकायतों का निस्तारण मौके पर करा दिया गया। शनिवार को थाना संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता नायब तहसीलदार जसविंदर सिंह और थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने की। दोनों अधिकारियों ने थाना संपूर्ण समाधान दिवस पर आए हुए सभी फरियादियों की शिकायतों को सुना। इस दौरान क्षेत्र से 2 शिकायतें फरियादी लेकर पहुंचे, दोनों ही शिकायतों का निस्तारण अधिकारी द्वारा मौके पर कर दिया गया। मुजफ्फरनगर के जानसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोर पीसीआई जनकल्याण समिति के द्वारा टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन किया गया। वही रैली को सीएससी प्रभारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शनिवार को सीएससी जानसर पर कोर पीसीआई जनकल्याण समिति के बीएमसी विपुल ठाकुर द्वारा रिक्शा रैली का आयोजन किया गया, जहां सीएससी प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली के दौरान रिक्शा में लगे साउंड सिस्टम के माध्यम से लोगों को 12 जानलेवा बीमारी से बचाने वाले टीकों के बारे में जागरूक किया गया। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।